जिसकी इंटेंसिटी अभी गेज की जा रही है अंदर हमारी क्राइम सीन यूनिट्स और हमारी जो काउंटर टेररिज्म के सारे सारी पैराफर्नेलिया है वो अंदर मौजूद है। प्रिलिमिनरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट यूनिट्स हैं दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इट और इंशाल्लाह जल्द ही इनको हम सामने लेके आएंगे। इसी होटल में नहीं जी, ही वॉज नॉट हेयर एट दैट टाइम। सो इसमें क्योंकि होटल है, आपको पता है क्वेटा का एक वाहिद 5-स्टार होटल है, तो उसमें मेहमान तो रहते ही हैं, लेकिन कोई इस वक्त जो है अंदर एम्बेसडर साहब मौजूद नहीं थे। कोई डेलीगेशन मौजूद था सर? नहीं जी, कोई डेलीगेशन नहीं था। किलोग्राम धमाका, देखें ये अभी एस्टिमेट्स कर रहे हैं, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। सो जो ही वो उनकी तरफ से, हमारी बीडी टीम्स अंदर मौजूद हैं, जो ही उनकी तरफ से किसी किस्म का आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जख्मियों की हालत अगर देखें, जख्मियों को ट्रीट किया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल में, इमरजेंसी और बाकी हॉस्पिटल में हमने इमरजेंसी का निफाज कर दिया है, तो उनमें से ज्यादातर लोग स्टेबल हैं। दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे। सर, नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएं कि डेथ टोल टोटल कितनी है, जख्मी कितने हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो तबाह? जी जी, कोई 5-6 गाड़ियों के करीब जो है वो गाड़ियां डैमेज हुई हैं। 3 इंजर्ड हैं प्राइमरीली अभी तक और 9 इंजर्ड हैं जी, 3 डेड बॉडीज हैं इसमें, बाकी आपको वक्तन फौक्तन इंशाल्लाह बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर अब तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि धमाके की नौयत क्या थी। तहम इस वक्त चारों अतराफ पर जो निजी होटल है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकम्मल तौर पर घेरे में ले रखा है। इंतहाई असास मकाम पर ये जो है निजी होटल कायम है, जिसकी इंटेंसिटी अभी गेज की जा रही है अंदर हमारी क्राइम सीन यूनिट्स और हमारी जो काउंटर टेररिज्म के सारे सारी पैराफर्नेलिया है वो अंदर मौजूद है। प्रिलिमिनरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट यूनिट्स हैं दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इट और इंशाल्लाह जल्द ही इनको हम सामने लेके आएंगे। सर, कोई वीआईपी ऑफिसर साहब मौजूद थे यहाँ पर? भी क्वेटा में मौजूद थे इसी होटल में? नहीं जी, ही वॉज नॉट हेयर एट दैट टाइम। सो इसमें क्योंकि होटल है, आपको पता है क्वेटा का एक वाहिद 5-स्टार होटल है, तो उसमें मेहमान तो रहते ही हैं, लेकिन कोई इस वक्त जो है अंदर एम्बेसडर साहब मौजूद नहीं थे। कोई डेलीगेशन मौजूद था सर? नहीं जी, कोई डेलीगेशन नहीं। किलोग्राम धमाका, देखें ये अभी एस्टिमेट्स कर रहे हैं, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। सो जो ही वो उनकी तरफ से, हमारी बीडी टीम्स अंदर मौजूद हैं, जो ही उनकी तरफ से किसी किस्म का आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जख्मियों की हालत अगर बताएं? देखें, जख्मियों को ट्रीट किया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल में, इमरजेंसी और बाकी हॉस्पिटल में हमने इमरजेंसी का निफाज कर दिया है, तो उनमें से ज्यादातर लोग स्टेबल हैं। दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे। सर, नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएं कि डेथ टोल टोटल कितनी है, जख्मी कितने हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो तबाह? जी जी, कोई 5-6 गाड़ियों के करीब जो है वो गाड़ियां डैमेज हुई हैं, 3 इंजर्ड हैं प्राइमरीली अभी तक और 9 इंजर्ड हैं जी, 3 डेड बॉडीज हैं इसमें, बाकी आपको वक्तन फौक्तन इंशाल्लाह बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर अब तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि